हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। प्रिय विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं आज 25 अप्रैल का करंट अफेयर्स। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राजन्यायिक जयदीप सरकार को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में राजन्यायिक जयदीप सरकार को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? और सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। आइए समझते हैं, भारतीय विदेश सेवा के 1987 बैच के अधिकारी जयदीप सरकार को दक्षिण अफ्रीका में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। जयदीप सरकार शीघ्र ही यह कार्यभार संभालेंगे। IFS अधिकारी जयदीप फिलहाल भूटान में भारत के राजदूत हैं। वह टोक्यो, सियोल और बांग्लादेश में भी भारतीय दूतावास में सेवा दे चुके हैं। वह 2004 में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में निदेशक बनाए गए थे। सुहेल एजाज खान को लेबनान में अगला राजदूत नियुक्त किया है। वह फिलहाल सऊदी अरब में भारत के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सोमयेलो बाउबे माइगा ने इस्तीफा दिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सोमयेलो बाउबे माइगा ने इस्तीफा दिया? और इसका सही उत्तर है डी, माली। आइए समझते हैं, पश्चिम अफ्रीकी देश में हिंसा के नियंत्रण में अपनी विफलता पर अविश्वास प्रस्ताव के बाद माली के प्रधानमंत्री सोमयेलो बाउबे माइगा ने अपनी पूरी सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति इब्राहिम बोबाकर केटा ने प्रधानमंत्री और सरकार के सदस्यों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? और इसका सही उत्तर है ए, गगनदीप कंग। आइए समझते हैं, भारतीय मूल की वैज्ञानिक गगनदीप कंग रॉयल सोसाइटी में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई है। वह प्रतिष्ठित फेलो रॉयल सोसाइटी FRS में 358 वर्षों के इतिहास में चयनित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं। हरियाणा के फरीदाबाद की गगनदीप कंग ने अपनी मेहनत से इस सूची में अपना स्थान बनाया है। उधर प्रख्यात वैज्ञानिक एवं कारोबारी यूसुफ हमीद इस साल के ब्रिटेन के प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी से सम्मानित हस्तियों में से एक हैं। रॉयल सोसाइटी 2019 की सूची में शामिल भारतीय मूल के विशेषज्ञों में हमीद का नाम भी शामिल है, तथा 10 नए विदेशी सदस्यों को शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस देश ने अपना पहला उपग्रह रावण 1 18 अप्रैल 2019 को अमेरिका के वर्जीनिया स्थित नासा के
प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में किस देश ने अपना पहला उपग्रह रावण 1 18 अप्रैल 2019 को अमेरिका के वर्जीनिया स्थित नासा के प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया? और इसका सही उत्तर है सी, श्रीलंका। आइए समझते हैं। श्रीलंका का प्रथम उपग्रह रावण 1 18 अप्रैल 2019 को अमेरिका के वर्जीनिया स्थित नासा के प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। 1.5 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह का जीवन काल 1.5 वर्ष है। रावण 1 के प्रक्षेपण के साथ ही अंतरिक्ष जगत की दुनिया में श्रीलंका का भी प्रवेश हो गया है। इस उपग्रह की डिजाइन व निर्माण जापान के क्योशु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किया गया। यह उपग्रह श्रीलंका एवं पड़ोसी देशों के चित्र लेगा। श्रीलंका के साथ नेपाल ने अपना उपग्रह नेपाली सेट 1 प्रक्षेपित किया। उक्त दोनों उपग्रह जापान के क्योशु इंस्टीट्यूट की बर्ड परियोजना के तहत प्रक्षेपित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से आरंभ की गई है और जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों को उनके प्रथम उपग्रह के प्रक्षेपण में मदद करना है। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में कौन सा देश शौर्य पर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? और इसका सही उत्तर है डी, नॉर्वे। आइए समझते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में 180 देशों में से भारत 140वें स्थान पर है। सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है। पेरिस स्थित रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स RSF या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर के पत्रकारों पर हमलों का दस्तावेजीकरण और सामना करने के लिए कार्य करता है। इनमें पहला नॉर्वे है, दूसरा फिनलैंड और तीसरा स्वीडन है। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में सबसे लंबे समय तक स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाने वाली महिला कौन सी बनेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में सबसे लंबे समय तक स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाने वाली महिला कौन सी बनेगी? और इसका सही उत्तर है बी, क्रिस्टीना कोच। आइए समझते हैं। नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने अपने मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अर्थात ISS पर 328 दिनों के लिए बढ़ा दिया है, जिससे एक महिला द्वारा की गई सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष यान का रिकॉर्ड बनेगा। 14 मार्च को अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे कोच को फरवरी 2020 तक कक्षा में रहने के लिए नियत किया गया है, जो 2016-17 में नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विट्सन द्वारा निर्धारित 288 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य के जीरा फूल को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में किस राज्य के जीरा फूल को
भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है और इसका सही उत्तर है डी छत्तीसगढ़। आइए समझते हैं, धान की मशहूर छत्तीसगढ़िया किस्म जीरा फूल को जियोग्राफिकल इंडेक्स अर्थात GI टैग मिल गया है। अब इस धान की इस किस्म को दुनिया में जीरा फूल नाम से ही जाना जाएगा। यह प्रदेश का पहला ऐसा कृषि उत्पाद है जिसे टैग मिला है। कुछ माह पूर्व कड़कनाथ मुर्गे के लिए छत्तीसगढ़ ने कोशिश की, लेकिन मध्य प्रदेश को इसका टैग मिल गया। देश में इससे पहले धान की अलग अलग किस्मों के लिए केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों को GI टैग दिया गया है। अब इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस देश के 150 शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाल ही में किस देश के 150 शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है और इसका सही उत्तर है सी भारत। आइए समझते हैं, दक्षिण सूडान अर्थात UNMISS में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ सेवारत कुल 150 भारतीय शांति रक्षकों को उनकी समर्पित सेवा और बलिदान के लिए सम्मान के पदक प्रदान किए गए हैं। UNMISS के तहत इंडियन हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कंपनी ने दक्षिण सूडान में बेंटू और लियर को जोड़ने वाले 145 किलोमीटर के सड़क मार्ग में नवीनकरण को पूरा किया, जिससे डिलीवरी के लिए मानवीय सहायता, व्यापार और अंतर सार्वजनिक मार्ग आसान हो गया। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि मनीष मुंदड़ा की किस कविता संग्रह का विमोचन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि मनीष मुंदड़ा की किस कविता संग्रह का विमोचन किया गया? और इसका सही उत्तर है ए कुछ अधूरी बातें मन की। आइए समझते हैं, जयपुर के मैरियट होटल में मनीष मुंदड़ा की कविता कुछ अधूरी बातें मन की का विमोचन किया गया। मनीष मुंदड़ा का 2015 में आंखों देखी से शुरू हुआ फिल्मी दुनिया का सफर आज एक मुकाम हासिल कर चुका है। उनकी 4 फिल्में मसान, धनक, कड़वी हवा और न्यूटन नेशनल अवार्ड के लिए चुनी जा चुकी हैं। स्कूली शिक्षा देवघर झारखंड से शुरू करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई जोधपुर राजस्थान में पूरी की। वर्तमान में नाइजीरिया अर्थात अफ्रीका में इंडोरामा फर्टिलाइजर में MD या CEO के पद पर कार्यरत हैं। प्रश्न नंबर 10, SMS मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य जिन्हें अमेरिका की फेलोशिप मिली है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, SMS मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य जिन्हें अमेरिका की फेलोशिप मिली है और इसका सही उत्तर है सी डॉक्टर CL नवल। आइए समझते हैं, SMS अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर CL नवल को FACP अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन की फेलोशिप प्रदान की गई है।
अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में आयोजित अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन के 100वें वार्षिक सम्मेलन में यह फेलोशिप दी गई। प्रश्न नंबर 11। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है बी, सीपी जोशी। आइए समझते हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की कार्यकारिणी समिति में सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा को शामिल किया गया है। राजस्थान विधानसभा के सचिव दिनेश जैन के अनुसार डॉक्टर सीपी जोशी इसके अध्यक्ष व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया इसके उपाध्यक्ष होंगे। लोढ़ा के साथ विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया, पानाचंद मेघवाल, शकुंतला रावत, हरीश मीना, रामलाल शर्मा, नरेंद्र नागर, सिद्धि कुमारी, वाजिब अली एवं पुखराज को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। राजस्थान विधानसभा में इस कार्यकारिणी के गठन के लिए गत 13 फरवरी को राज्य विधानसभा अध्यक्ष को इसके लिए अधिकृत किया गया था, जिन्होंने यह गठन किया है। प्रश्न नंबर 12 है। विश्व सीमा शुल्क संगठन की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, विश्व सीमा शुल्क संगठन की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहां किया गया? और इसका सही उत्तर है ए, जयपुर राजस्थान। आइए समझते हैं। विश्व सीमा शुल्क संगठन की 4 दिवसीय क्षेत्रीय बैठक जयपुर राजस्थान की राजधानी शहर में आयोजित की गई। इसमें एशिया के 33 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बैठक को संयुक्त रूप से WCO के डिप्टी महासचिव रिकॉर्डो ट्रेविनो और केंद्रीय बोर्ड ऑफ अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अध्यक्ष एस रमेश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। WCO स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जिसका मिशन सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है। प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट करंट अफेयर में से आपको एक प्रश्न पूछा गया था जो था, किस अंतरिक्ष एजेंसी के TSS ने सौरमंडल के बाहर पृथ्वी जैसा पहला ग्रह खोजा है? और इसका सही उत्तर है NASA। सही उत्तर देने वाले पहले 3 विद्यार्थी हैं। पहले नंबर पर गजल अरोड़ा, दूसरे नंबर पर बजरंग बिश्नोई तथा तीसरे नंबर पर महेंद्र जोया। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह से हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे वीडियोस, कंटेंट या करंट अफेयर्स पसंद आए हों तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए आपका प्रश्न है, संविधान काव्य पुस्तक के लिए हाल ही में किसे पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
आई रिपीट, संविधान काव्य पुस्तक के लिए हाल ही में किसे पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है रिजु अग्निहोत्री, बी सुनील कुमार गौतम, सी अभय तेवतिया और डी शशि थरूर। सही आंसर देने वाले पहले तीन स्टूडेंट्स का नाम कल के करंट अफेयर्स में अनाउंस किया जाएगा। इसी के साथ मैं सुरेंद्र सोनी, संकल्प कंपटीशन लाइन कोचिंग सेंटर तथा संकल्प कोचिंग गंगानगर यूट्यूब चैनल के निदेशक श्री संजय चौधरी की तरफ से आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।